पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। अमिताभ चौधरी का हरमूर रोड स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र अभिषेक चौधरी ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। दिवंगत अमिताभ चौधरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री ने दिवंगत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मिले सीएम सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अमिताभ चौधरी की पत्नी, पुत्र एवं पुत्री सहित अन्य परिजनों से मिले तथा उन्हें ढांढस बंधाया। परिजनों एवं शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। बता दें कि बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का मंगलवार सुबह निधन हो गया था। दिल का दौरा पड़ने से 62 वर्षीय अमिताभ का निधन हुआ था। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें तत्काल रांची के सेंट एविटा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। रांची का जेएससीएस स्टेडियम बनवाने में उनका सबसे अहम योगदान माना जाता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।